उत्तरकाशी के जिलाधिकारी आशीष चौहान और पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने नगर क्षेत्र में स्थित कंटेनमेंट जोन्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आसपास के क्षेत्र में रह रहे लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के आसपास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। उत्तरकाशी शहर के कंटेनमेंट जोन का पुलिस अधीक्षक एवं मेडिकल डिपार्टमेंट तथा कंसर्निंग एसडीएम के साथ में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने उसके संबंध में निर्देश दिए हैं। जैसे कि क्लीनिंग को लेकर कुछ इश्यूज़ थे, तो क्लीनिंग को लेकर नगर पालिका को निर्देशित किया गया। सप्लाई को रेगुलरली मेंटेन करने और मॉनिटर करने के लिए डीएसओ को या सप्लाई डिपार्टमेंट को मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उधर रामनगर बाजार के ज्वाला लाइन में दो लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर आज इस इलाके के 62 दुकानदारों और कर्मचारियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। सैंपलों को जांच के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया है। समथिंग 2000 के आसपास मैं अपने हाथों से और मेरी टीम द्वारा कम से कम 3000 से ऊपर के सैंपलिंग अभी तक रामनगर में हो चुके हैं। आज ज्वाला लाइन जो कंटेनमेंट जोन था, दो रामनगर में कल कंटेनमेंट जोन हुए थे, एक ज्वाला लाइन था, एक हमारा नीचे गुलरघट्टी था। ज्वाला लाइन में आज 62 लोगों की सैंपलिंग आरटीपीसीआर के लिए आज हमने ले लिए हैं, जिसको हम शाम को हल्द्वानी सुशीला तिवारी भेज देंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कल शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 224 नए मरीज मिलने के बाद अब प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 6,328 हो गई है। इनमें से 3,675 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 66 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमित SSB जवान की भी मृत्यु हो गई। पिथौरागढ़ में ये पहला मामला है।